तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और गाइज़ आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में Google Pay एप्लीकेशन में इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ रहता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है यूअर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। तो ये जो प्रॉब्लम है वो गूगल पे एप्लीकेशन में आ रहा है। तो अगर इसी तरीके से अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो गाइज़ ये जो प्रॉब्लम है वो आपके फ़ोन में क्यों आ रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, हो सकता है आपके फ़ोन में इंटरनेट प्रॉब्लम हो जिसके कारण आ रहा है। तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले जाना होता है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन करके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है जी पे। तो जैसे ही आप जी पे लिखेंगे यानी कि गूगल प्ले एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपके फ़ोन में इस तरीके से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है डाटा यूसेज का। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वाईफाई, मोबाइल डाटा, ये जो दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसको आपको इनेबल कर देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डाटा क्लियर कर देना है यानी कि इस एप्लीकेशन में डाटा क्लियर करना है। हो सकता है दोस्तों डाटा क्लियर करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाए, तो आपको फिर से अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप जो है डाटा क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बिल्कुल भी कोई भी सेटिंग्स नहीं करनी होती है अपने फ़ोन में, और इसी तरीके से आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसी तरीके से आप जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।